स्टूडेंट 30.5 जो है हम लोग कर चुके हैं। काफी हद तक दो क्वेश्चन हमारे रहते थे। एक क्वेश्चन जो अभी मैं आपको करवाने वाली हूँ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आप लोग गौर से समझिएगा। ठीक है, कह रहे कि एन एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ इज 30 डिग्री। देखिए क्लिफ समझे, एक पहाड़ है, क्लिफ समझेगा, पहाड़ी है, सॉरी पहाड़ नहीं है, पहाड़ी है। ठीक है, क्लिफ जो है वो है एक पहाड़ी, उससे बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मैं देख रही हूँ पहाड़ी के ऊपर, सही, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही हूँ जो कि 30 डिग्री। ये बिल्कुल भी 30 डिग्री नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको डी से मेजर करके तो बनाया नहीं है, और क्या पता हो भी सकता है तुक्का। खैर यहाँ तक तो हो गई बात। अब अगले आगे यह बात करें, वॉकिंग 2 10 मीटर फ्रॉम द पॉइंट। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, मैं यहाँ से वॉक करते करते 2 10 मीटर जो है मैं यहाँ आ गई। ठीक है, यहाँ सपोज कर लें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 2 10 मीटर मैंने कवर किया। पता नहीं मुझे क्या हुआ, सब जाना दूर चाहिए था। अगर जब आप हाइट से देख रहे हो ना, अगर आपको और क्लियर देखना हो तो दूर जाना चाहिए, तो वो आपको इतना हाइट जो है वो आप नहीं करना पड़ता, एंगल जो है वो छोटा बनता है। ठीक है, अब यही बात हो, ये अगर ये करीब जा रहा तो एंगल छोटा नहीं, एंगल बड़ा हो जाएगा, मतलब एंगल बढ़ जाएगा, जो कि एंगल इन्होंने बता दिया है। कितना एंगल हो गया भाई, 45 डिग्री। ओके डन, 45 डिग्री हो गया एंगल। मतलब एक एंगल तो था 30 डिग्री, जो कि जब मैं दूर थी, और 2 10 मीटर को मैंने कुछ ज्यादा ही, ये ट्राइंगल में मत चाहिएगा मेरे, मेरा ट्राइंगल बड़ा चाहिए। 2 10 मीटर सही है, और ये 45 डिग्री हो गया। कॉन्सेप्ट समझेगा, जब भी आप जितना करीब जाएंगे ना उतना एंगल बढ़ता जाएगा, और जितना दूर जाएंगे उतना एंगल कम होता जाएगा। अगर आपने आपकी हाइट सेम है तो, मतलब क्लिफ जो है वो तो वही है ना, ये थोड़ा क्लिफ का साइज भी बढ़ रहा है, सही है। अच्छा यहाँ तक तो हो गई बात, इतना ही सवाल में दिया है। कह रहे हाइट ऑफ क्लिफ मालूम करेंगे, मतलब हाइट मालूम करेंगे, ये मेरे लिहाज से परपेंडिकुलर है, और मैं परपेंडिकुलर को हमेशा ए ही कह रही हूँ, तो मुझे ए मालूम करना है। अब ए मालूम करने के लिए कम से कम एक साइड तो पूरी हो ना मेरे पास ना, मुझे हाइपोटेन्यूज गिवन है। अच्छा एक तो दो ट्राइंगल है इसमें, कितने ट्राइंगल बन रहे हैं इसमें, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, मैं साइड टू साइड इस ट्राइंगल को यूज करूंगी, ये बना दूंगी, ठीक है ना। अच्छा आप ए मालूम करने के लिए कम से कम ये साइड ही पूरी हो जाए, यहाँ मैं इसको बी कह देती हूँ, कम से कम 2 10 प्लस बी ही मिल जाए। अगर मुझे बी मिल जाएगा और ए मिल जाएगा, या सिर्फ बी मिल जाएगा, ये वाला बी मिल जाएगा, और इस ट्राइंगल को भूल जाऊंगी, समझूंगी ये ट्राइंगल कुछ है ही नहीं, तो ए बी का इस्तेमाल करिए, या बी का इस्तेमाल करके, और 45 डिग्री का इस्तेमाल करके मैं ए आराम से मालूम कर सकती हूँ। मतलब अगर ये मुझे बी मिल जाए तो मैं 45 डिग्री और बी का इस्तेमाल करके मालूम कर सकती हूँ, या फिर अगर ये बी मिल जाए तो मैं इन दोनों को सब करके 30 डिग्री का इस्तेमाल करके भी ए मालूम कर सकती हूँ। दोनों ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, पहले बी तो मिले मुझे। चले भाई क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। अब हर क्वेश्चन तो स्टार्ट ही था। अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि ट्राइंगल ए बी सी, आप जरा नंबरिंग तो उसकी कर दें। आप अगर इस साइड को ए कह रहे हैं, चलो भाई इसी साइड को ए कहें, इसको ए कहें, इसको बी कहें, इसको सी कहें, अब ये भी तो बेचारा है ना, इसको भी तो कुछ कहना पड़ेगा, तो ए बी सी तो हम कह चुके, तो इसको कहेंगे डी। ठीक है, ए बी सी और डी, सही है, यहाँ तक तो हो गई बात क्लियर। अब आप पहले ना क्या करें, पहले आप इस बड़े वाले ट्रायंगल को, नहीं ऐसे करते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल को सपोज कर लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल अभी आप ले लें, इसको भूल जाएं। अभी आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है अगर बताऊं तो, रेड लाइन से ड्रॉ कर देती हूँ, ये ट्रायंगल आपको लेना है। लाइन नहीं बन रही होगी ना, हाँ ना, मुझे पता है, लेकिन चले मैं आपको समझा चुकी हूँ कि ये ट्रायंगल अभी आपको सपोज करना है, तो इसका मतलब मैं एक ट्रायंगल बना रही हूँ। मैं ले रही हूँ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल, तो ट्राइंगल भी बना देती हूँ मैं यहाँ पर ही। ये ट्राइंगल कैसा बना रही हूँ मैं, चलो ऐसा बना देती हूँ, अब सही है, क्या सही है, क्या किया है मैंने, खैर आप आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, अब सही है, ठीक है डन। अब इस ट्राइंगल में आपको एंगल जो था वो 45 डिग्री का मिला था, बी आपको मालूम नहीं था, ए भी आपको मालूम नहीं था, लेकिन आपको बी मालूम करना है क्योंकि आपका रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में, अदरवाइज वैसे मतलब क्वेश्चन में तो ए रिक्वायर्ड है, लेकिन बी भी आपको मालूम करना पड़ेगा। यह ट्राइंगल बिल्कुल अच्छा नहीं बना हुआ, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा इसको। खैर अब आपको क्या करना है, देखिए आपके पास दो साइड से कौन सी है, परपेंडिकुलर और बेस, तो आपको पता है परपेंडिकुलर और बेस के लिए
टांगे पर बैठ, मतलब टेन थीटा ही आप लोग सपोज करते हैं, सही है। अच्छा मैंने ए बी सी गलत लिखा है, यहाँ पर बी है ना, और यहाँ पर ए है, अब सही। अच्छा अब ए मुझे ये एंगल गिवन है ना, तो मुझे यहाँ पर मेजरमेंट एंगल ए लिखना होगा। अभी मैं फिलहाल टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही लिख रही हूँ, सही है। अब क्या करना है मुझे, टेन थीटा जो है वो मेजरमेंट एंगल ए दिया हुआ है, तो मेजरमेंट एंगल ए भी लिख सकती हूँ मैं, और डायरेक्टली वैसे फिलहाल मैं 45 डिग्री ही लिख रही हूँ। और पी जो है वो यहाँ पर ए के बराबर है, और बी जो है वो सॉरी बेस जो है वो बी के बराबर है हमारे पास। अब क्या करना है, 10 45 आपको याद होना चाहिए, क्योंकि 30 60 डिग्री 45 डिग्री और 90 डिग्री आपको पता होने चाहिए, तो 45 डिग्री फिलहाल 1 के बराबर है। तो ये हो गया ए बाय बी, बी आर डिवाइड में वहां जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा बी इज इक्वल टू ए। इसे एक लफ्जों में ए इज इक्वल टू बी भी कह सकते हैं, मतलब बी इज इक्वल टू ए बोले या फिर ए इज इक्वल टू बी बोले, बात तो एक ही है ना। इसको कह दे इक्वेशन 1, सही है। अब दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, अब दूसरे ट्रायंगल की बात करने के लिए दूसरे ट्रायंगल का नजर आना भी जरूरी है, तो मैं सामने ही ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। अब जो ट्रायंगल हमारे पास वो ट्रायंगल है ये वाला, मतलब कि ट्रायंगल डी बी बी सी। अच्छा मैं ट्रायंगल डी बी सी बना रही हूँ, अब मैं लिख रही हूँ इन ट्रायंगल डी बी सी, इसी पर हो रहा है ना काम। अच्छा एक मिनट एक काम करते हैं, थोड़ी सी अंडरलाइन वगैरह भी कर लेते हैं, मतलब पता चले कि हमारे हेडिंग्स जो है वो कहाँ से चल रही हैं, किस तरह हो रहा है। ये देखिए मैंने ट्राइंगल अंडरलाइन कर लिया है हेडिंग्स को, अब मैं जरा ड्रॉ कर लूँ ट्राइंगल। देखिए भाई ट्राइंगल मैं कर रही हूँ ये वाला ड्रॉ, ट्राइंगल जी बी सी। अब मैं अच्छा सा ड्रॉ करूंगी, बिल्कुल अच्छा सा करूंगी ड्रॉ। अच्छा अगर आपके पास डी हो ना, डी से एंगल को ड्रॉ करते ज़्यादा बेटर है, मेरे पास तो अभी इस वक्त नहीं है। खैर ये है 30 डिग्री। अब आपको पता है बेस जो होगा ना वो तो होगा 2 10 प्लस बी, तो यहाँ पे भी आप 2 10 प्लस बी ही लिखेंगे, ओके। और इस ट्राइंगल का नाम क्या है, जी बी और सी, ऐसा ही ना ट्राइंगल का नाम, थोड़ा साइड में कर देती हूँ ताकि थोड़ा रिफ्लेक्शन ब्लैक ना आए, ओके। ये हो गया हमारा काम, नहीं अभी इतना भी काम नहीं हुआ क्योंकि अभी आपको साइड्स को तो सपोज करना है ना। अच्छा यहाँ पर जो है ना आपको क्या करना चाहिए, ये ए है एक्चुअली ना, बिल्कुल। अच्छा एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम डी के अपोजिट साइड को स्मॉल डी कहते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे सेम ही है ना ये हाइट, यही तो ट्राइंगल हम दोबारा बना रहे हैं। अच्छा ट्राइंगल छोटा होने का मतलब नहीं है ये कि बस मैंने छोटे ट्राइंगल बना दिया, आप सेम साइज के ट्राइंगल बनाइएगा, ठीक है। ये नहीं कि हाइट छोटी हो गई है, हाइट वही है, ये तो हम ट्राइंगल रिजेंबल कर रहे होते हैं ना, सही है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर एंगल आ गया, ए हो गया बी हो गया, और ये हमें इसका कोई काम नहीं है, वैसे भी स्मॉल बी आना था लेकिन इसका कोई काम फिलहाल नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सी आना था, सॉरी मैंने फिर गलत बनाया, डी बी सी, डी बी और सी, अपनी मर्जी चल रही है भाई मेरी, तो पता नहीं क्या बनाना है क्या लिख रही है, ओके। लेकिन खैर आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये तो बस मैं इसलिए कर दूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा एक्टिवेट रहे फिलहाल, ओके। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछेगा, अगर कोई बात बताना मैं भूल गई हूँ तो, वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं एक एक बात को जो है वो क्लियर कर दूँ। अच्छा एक और बात, यहाँ पर भी टांगा ही यूज होगा, मतलब टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस को ही आप जो है इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब टेन थीटा में तो टेन मेजरमेंट एंगल ए है, सही, और परपेंडिकुलर जो है वो ए के बराबर है, और बेस जो है वो 2 10 प्लस बी है। खैर मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, मुझे यहाँ भी पुट करनी चाहिए थी, चले मैं भी कर लेती हूँ। अब टेन हमें गिवन है जो कि है 30 डिग्री, सही है, ए एज इट इज रहेगा, और 2 10 प्लस बी ऐसा ही है ना, यहाँ पर ऐसा ही लिखा है। अब आपको पता है कि आपको इसको करना है वहां मूव, और 10 30 को यहाँ, पहले बता दूं कि 10 30 जो है ना वो 1 स्क्वायर रूट 3 के बराबर होता है। मैंने कहा है कि आपको कुछ वैल्यूज को याद करना पड़ेगा, अगर उन्होंने आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया तो रिस्क तो नहीं ले सकते ना, रिस्क बेस पे तो नहीं जा सकते आप लोग के भाई वैल्यूज याद ही नहीं है,
इतनी मेहनत करता है स्टूडेंट इस कोर्स के लिए और पढ़ने के लिए, और फिर वो इस तरह की अगर छोटी मोटी चीज़ों को याद नहीं कर, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं। अच्छा अब क्या होगा, ये 2 10 प्लस b वहाँ 1 से जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 10 और प्लस बी ही रहेगा, और ये √3 यहाँ √3 ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 a बच जाएगा। चाहे वो डॉट लगा दें ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आपको ना इस इक्वेशन को यूज करना है कि a बराबर है b के, a बराबर है और b के, और आपको जो मालूम करना है वो a मालूम करना है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि b बराबर है a के, इसका मतलब आपको यहाँ पर b की जगह क्या लेना होगा, a सपोज करना होगा, b की जगह क्या सपोज करना होगा आपको, a सपोज करना होगा। तो आपने ये लिख लिया a, और क्यों लिखा आप यहाँ पे मेंशन जरूर करें क्यों लिखा, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 का जो यूज किया है, ये रही इक्वेशन 1 जिसमें a क्या है, b के बराबर है, इसका मतलब b a के बराबर है, तो इन शॉर्ट मैंने इस तरह इसको लिख लिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए हमें a निकालना है, a तकरीबन आने ही वाला है। देखिए प्लस का a इज इक्वल टू के सेट आकर हो जाएगा माइनस का a, या मैं क्या करूँ इसको माइनस का a बनाऊँ या सही है, ठीक है ठीक है। 2 10 इज इक्वल टू √3 a माइनस a, अब √3 a में से माइनस a तो आप इस तरह निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास है सिंपल कैलकुलेटर, तो आपको यूज इस तरह करना होगा कि 2 10 तो एज इट इज लिखे, a ले ले इन दोनों में से कॉमन, फिर √3 करें आप कैलकुलेटर में और से माइनस कर दे 1 से, क्योंकि आपको पता है a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे √3 और यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। अब आप क्या करें, √3 करा कैलकुलेटर से और उसमें से किया 1 माइनस, तो आपके पास क्या आ रहा है ये मुझे पहले आप बता दें, क्योंकि मेरे पास तो कैलकुलेटर ही नहीं है। है कैलकुलेटर हमारा डेस्कटॉप किस काम आएगा। देखिए √3 मैंने किया है ना, तो 1.732 आ रहा है, अब मैं इसमें से माइनस कर रही हूँ डायरेक्ट कैलकुलेटर से, तो आंसर आ रहा है 0.732, मतलब कि यहाँ पर आया 0.732, ओके। अब मैं इसको करूंगी डिवाइड, तो हमारे पास एक ही वैल्यू जो कि हमें हाइट ऑफ क्लिफ चाहिए थी, जो रिक्वायर्ड आंसर था वो फौरन आ जाना है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आकर हो जाएगा 2 10 से, ये 2 10 ऐसे 2 10 से हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 286.88 हमारा आंसर है जो कि मीटर में है। इसको अगर मैं राउंड ऑफ करके लिख लूँ तो कोई एतराज तो नहीं होगा आपको, बिल्कुल भी नहीं होगा, राउंड ऑफ करके बच जाएगा, देखिए 8 है ना, 1 बढ़ा देंगे आप, 287 मीटर हाइट आ जाएगी, किसकी, क्लिफ की, मतलब पहाड़ की। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने काफी डिटेल में आपको समझाया है ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एक बार और देख लेंगे तो आपको जरूर क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसको कर लेती हूँ थोड़ा सा सिंपलीफाई। देखिए सबसे पहले हमने ये ट्राइंगल बनाया जो कि इसको सपोज कर रहा था, जिसमें 2 ट्राइंगल आ रहे थे, फिर मैंने ट्राइंगल ए बी सी पहले सपोज किया और उससे हमने क्वेश्चन मालूम किया, और टेन थीटा इसलिए लिया क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व था, इस तरह ए इक्वल टू बी कंडीशन आई। फिर दूसरा ट्राइंगल सपोज किया जो कि था बी डी सी, बी डी सी ओके, फिर इसमें भी टेन थीटा इन्वॉल्व था क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व था, उसे सिंप्लीफाई किया तो हम देखा कि यहाँ पर बी आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, तो ए निकल नहीं रहा। फिर हमें याद आया कि भाई इस ट्राइंगल से हमने मालूम कर लिया था कि ए बराबर है बी के या बी बराबर है ए के, तो मैंने बी की जगह ए को लिख लिया क्योंकि हमें मालूम ए करना था, मतलब हाइट ऑफ क्लिफ। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया जैसे हम करते हैं, उसके बाद हमारा आंसर जो है वो हाइट ऑफ क्लिफ आ गया। अब एक ही क्वेश्चन हमारे पास रह गया, जल्दी से इसको भी कर लेते हैं हम सॉल्व। देखिए ये वो क्वेश्चन है जो कि मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था, तो ये आप लोग वहां से देख लीजिएगा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, जिसमें कह रहे हैं एन ऑब्जर्वेशन बैलून इज 4280 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब कि एक ऑब्जर्वेशन, एक बैलून देख रहे हैं हम जो कि 4280 मीटर अबव द ग्राउंड है। पता नहीं कौन था जो बैलून की मेजरमेंट को मेजर कर रहा था, खैर ये हाइट तो मेजर हो जाती होगी, ये इसका हमारा मकसद नहीं है, हम लिख लेते हैं फिलहाल हाइट ऑफ बैलून जो है वो हमें गिवन है, कितनी गिवन है हाइट ऑफ बैलून हमें, ये बैलून की स्पेलिंग ही है ना, हाँ हाइट ऑफ बैलून हमें गिवन है, जैसे मैं यहाँ पर एक मिनट हाइट ऑफ बैलून तो मैं लिख लूंगी, पहले ट्राइंगल तो बना लूँ मैं अपना, चलो अभी फिलहाल हाइट ऑफ बैलून लिख लेती हूँ और फिर ट्राइंगल बनाती हूँ, मैंने इसे ए कहा है
क्योंकि ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। सही है, देखिए इस तरह है कि यहां पर एक बैलून है, ओके हाइट ऑफ बैलून यहां पर है बैलून, सही है। अच्छा मैंने पहले ये लाइन ड्रॉ कर ली जबकि मुझे ये लाइन ड्रॉ करनी चाहिए थी, जल्दी का काम शैतान का काम। खैर तो यहाँ पर हाइट है बैलून की जो कि हमें गिवन है, जिसे मैं ए कहूंगी क्योंकि परपेंडिकुलर को मैं ज्यादातर ए ही कहती हूँ, 4280 मीटर। और वैसे भी मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं यहाँ ए लिखती हूँ तो ए के सामने स्मॉल ए, ठीक है ना। अच्छा मैं ये लाइन भी ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राउंड से सॉरी 9613 मीटर अवे फ्रॉम अ फार्म हाउस, यहाँ पे एक फार्म हाउस है यहाँ पर, सही है। इससे कितने मीटर अवे है ये, 9613 मीटर अवे है, ठीक है। फाइंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मालूम करना है, तो इसका मतलब कि ये हाइट से बैलून से, अच्छा तो ये वो वाला बैलून होगा जिसमें लोग ट्रैवल करते हैं, वो ही क्या बोलते हैं उसको, देखा होगा ना आप लोगों ने, इस तरह का होता है ना, इस पे इस तरह यहाँ पर इस पर लोग जो है वो बैठे हुए होते हैं, है ना, ठीक है। क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन मालूम करना, तो यहाँ से कोई पर्सन देख रहा है नीचे की तरफ तो एंगल बनता है यहाँ पर, और वो एंगल आपको मालूम करना है, वो एंगल आपको क्या करना है, मालूम करना है। अच्छा बता दूँ ट्राइंगल तो हमने ये सपोज किया है, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। इसका मतलब हम इस ट्राइंगल को यूज करके एंगल मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसे टर्की वगैरह में होते हैं ये, मैंने टर्की में देखा है, खैर कभी हम भी कर लेंगे इसमें ट्रैवल। अच्छा जी ट्रैवल तो नहीं बोलेंगे इसका, राइड बोलेंगे, ओके। अच्छा अब क्वेश्चन करते हैं इसका आगे कंटिन्यू, परपेंडिकुलर और बेस है इन्वॉल्व, आपके पास हाइट ऑफ बैलून तो मैंने लिख लिया, डिस्टेंस फ्रॉम फार्म हाउस दिया हुआ है, इसको मैं डिस्टेंस लिख देती हूँ बस, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम फार्म हाउस नहीं लिख रही मैं, और ये डिस्टेंस जो है ना इसको मैं नाम तो दूँ, ये कहलाएगा बी, क्योंकि ये बी के बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ पर ना बी है एक्चुअली, ठीक है, और यहाँ पर सी है, तो सी के बिल्कुल अपोजिट सी होता है, सही है। तो बी मैं इसको सपोज करके, सपोज क्या, इसको लिख कर मैं यहाँ पर ये लिख रही हूँ, फिर मुझे जो मालूम करना है वो मालूम करना है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो मैं पहले फिलहाल एंगल ऑफ डिप्रेशन पूरा लिखूंगी ताकि पता चले कि हम एंगल ऑफ डिप्रेशन मालूम कर रहे हैं, और ये वो वाला डिप्रेशन बिल्कुल नहीं है जो कि आप लोग को एग्जाम देने के बाद होता है, जब सही से मेहनत नहीं करते ना आप लोग तो फिर आप लोग सोचते हैं कि भाई ये क्या हो गया, ये रिजल्ट आने के बाद होता है, लेकिन हर किसी को नहीं होता, जस्ट मैं मजाक कर रही हूँ इस बात की, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन करना है आप लोग को मालूम, और एंगल ऑफ डिप्रेशन और आपकी साइड से इन्वॉल्व है बेस और परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब टेन थीटा ही इन्वॉल्व है, जैसे कि यहाँ पर हुआ था, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस की, ठीक है। और यहाँ पर जो टेन थीटा है वो मेजरमेंट एंगल ए है, मतलब हमें मेजरमेंट एंगल ए मालूम करना है, और परपेंडिकुलर को मैंने यहाँ पे ए कहा है और बेस को मैंने यहाँ पर बी कह दिया है, मर्जी है ना ये तो अपनी। अच्छा खैर टेन मेजरमेंट एंगल ए करना है आपको, ये टेन को मैं बार बार एम बनाने की कोशिश क्यों कर रही हूँ, सही है। टेन मेजरमेंट एंगल ए आपको मालूम करना है, ए आपको गिवन है, ए क्या गिवन है आपको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, ए गिवन है 4280, ए है हमारे पास 4280, 4280 मैंने लिख दिया, और पी है हमारे पास 9613 जो कि मैंने लिखा, ठीक है। अब इनको जब मैं कर रही हूँ डिवाइड तो आंसर आ रहा है, मैं टेन ही लिख सकती हूँ, टेन थीटा ही लिख सकती हूँ, लेकिन फिलहाल मैंने मेजरमेंट एंगल ए लिखा है, मतलब जरूरी नहीं है आप थीटा 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 भी लिख सकते हैं, ये बस आपको सब चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए हम इस तरह की बातें आपको सब बताने के लिए करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पत्थर पे लकीर हो गया है, ऐसे ही करता है, सही है। अब मैं यहाँ मेजरमेंट मेजरमेंट एंगल ए करके टेन इनवर्स करूँ, ठीक है। अब टेन इनवर्स मुझे क्यों करना पड़ रहा है भाई, देखिए ऐसा कोई हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ना वो याद नहीं किया है जिसकी वैल्यू 0.445 हो। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या पता आप तो एग्जाम में ब्रैकेट में लिख कर दे देंगे, टेन इनवर्स 0.445 जो होता है ना वो इसके बराबर होता है, अदरवाइज उन्हें आपको कैलकुलेटर ही प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेटर के बगैर आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते। आप जब कैलकुलेटर में टेन इनवर्स 0.445 करेंगे तो 23.98 डिग्री आएगा आंसर,
जो कि अप्रोक्सीमेटली बराबर है, अगर मैं इसको लिखूं, किसके, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 24 डिग्री के, या मैं इससे जो थीटा आप लोग कहते हैं थीटा इज इक्वल टू 24 डिग्री भी लिख सकती हूँ। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है, अगर आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप लोग थीटा ही यूज़ कीजिएगा। इसके अलावा एक काम किया करें, आंसर को ना अच्छे से रिप्रेजेंट किया करें बॉक्स में करके, और अभी फिलहाल ये तो मैंने आंसर तो इस तरह रिप्रेजेंट करना ही है, उसके अलावा भी जो है ना एक और बात लाइन ज़रूर मेंशन किया करें जो आपको कहा गया हो। आपको क्या कहा गया था, एंगल ऑफ डिप्रेशन मालूम करने के लिए, तो आप ज़रूर लिखें कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना वो आया है आपके पास कितना, 24 डिग्री, सही है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 30.5 बिल्कुल मुकम्मल हो गई। आप लोग एक बात याद रखिएगा कि और भी जो है काफ़ी सारी वीडियोस आपके कोर्स से रिलेटेड चैनल पर जो है वो मौजूद है, ठीक है। आप चाहे तो एक्सरसाइज के साथ जो है आप नॉलेज बैंक लिखेंगे तो आपको वो वीडियोस बहुत इजीली मिल जाएंगी। चैप्टर 17 है, 17 मेरे ख्याल से कंप्लीट नहीं मैंने किया है, लेकिन 18 कंप्लीट है, 19 कंप्लीट है, 20 कंप्लीट है, 21 कंप्लीट है हमारे पास, 23 है, 24 है, और ये 30 चल रहा है, और 22 भी अभी रिमेन्स कंटिन्यू है। तो तकरीबन आपका काफ़ी हद तक कोर्स जो है वो मुकम्मल हो गया है मैट्रिक क्लास का। इतनी भी आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपके फुल ही मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ जो है आप लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आपको कोई एक्सरसाइज ऐसी है जो कि आप लोग को पहले चाहते हैं कि मैं सॉल्व करवा दूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।